आज हम बात करेंगे एक ख्याति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। इससे संबंधित एक क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहा गया है कि 1 जनवरी 2008 को ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर कीजिए, अर्थात यह औसत मूल्य विधि से हमें ख्याति का मूल्यांकन करना है। और जो विगत वर्षों के जो लाभ दिए हैं वो भी यहाँ पे बताया है इन्होंने, और लिखे होंगे हर एक क्वेश्चन में। जब भी औसत लाभ विधि का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2014 का लाभ 20,000, 2015 का लाभ 15,000, 2016 में हानि हुई है यहाँ पे 13,000 रुपये, और 2017 में लाभ देखिए 30,000 रुपये है, और 18 का लाभ 38,000 रुपये है। तो विगत 5 वर्षों का ये लाभ दिया है, और इन्होंने कहा कि ख्याति का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य पर करना हमें। तो ख्याति निकालने का जो सूत्र है उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, वो आपको हमने समझाया है पिछली वीडियो में। तो ख्याति निकालते समय हम ख्याति बराबर क्या करते हैं, औसत लाभ और इसमें गुणित क्रय वर्ष का हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर तो क्रय वर्ष बता दिया हमको कि कितने, 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो क्रय वर्ष तो हमें यहाँ पे मालूम हो गया, लेकिन औसत लाभ नहीं है मालूम। और जब औसत लाभ मालूम हो जाएगा तो क्रय वर्ष का गुणा कर देते हैं। तो औसत लाभ निकालेंगे कैसे, तो औसत लाभ निकालने के लिए भी यहाँ पर सूत्र है। आपने वीडियो में जब हमने बताया था कि इन मूल्यांकन की विधि, उस समय आपको समझाया भी था। औसत लाभ निकालने के लिए इसका सूत्र हम लिख देते हैं यहाँ पे। औसत, जैसे हम सामान्य औसत निकालते हैं वैसे ही यह भी औसत लाभ निकालने का सूत्र है। विगत वर्षों का लाभ, विगत वर्षों का लाभ, अच्छा किसी वर्ष यदि हानि हुई होगी तो या हानि दो में से कोई एक होगी, लाभ होगा या हानि होगी, विगत वर्षों का लाभ या हानि, और इसके बटे में अपन क्या कर देंगे, कुल वर्षों की संख्या, कुल वर्ष जितने होंगे उनकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो कुल वर्षों की संख्या यहाँ पे हमने लिख दिए। अब इस सूत्र पर हम जमा देते हैं जो हमारे आंकड़े हैं। जैसे 2014 का लाभ कितना यहाँ पे दिखाया गया है, आप देखिए 20,000 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पे 2014 का लाभ 20,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख दिया। धन अगले वर्ष का देखिए लाभ कितना है, 15,000 रुपये। तो यहाँ पर 2015 का 15,000 रुपये। अगला 2016 में हानि हुई है, तो यह हानि माइनस में, हानि को माइनस के रूप में दिखा देंगे, 3,000 रुपये। धन आगे देखिए 17 का लाभ कितना हुआ है, 30,000 रुपये। धन 18 का लाभ कितना है, 38,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए कितने वर्ष हुए, 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 वर्ष है। और सवाल में भी यहाँ पे 5 वर्षों के लाभ बता दिया है। कभी कभी यहाँ पे अधिक वर्षों का लाभ भी दे दिया जाता है। तो विगत जो अंतिम से हमको जो अंतिम है, इस वर्ष से विगत 5 वर्ष ले लेना है, इसे समझना होगा आपको। तो कुल 5 वर्षों की संख्या यानी कुल कितना हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ पे इनको हम जोड़ लेंगे, तो 20,000, 15,000, 30,000 और 38,000 ये प्लस के हैं, तो इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1,03,000 हो जाएगा पूरा। माइनस यहाँ देखिए हानि कितनी है, 13,000 है, तो 13,000 लिख देंगे बटे, ये बटे यानी 5 वर्ष लिख देंगे, 5 वर्ष यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम इसके बता देते हैं। कुल 1,03,000 हुआ, 1,03,000 माइनस यहाँ पे 13,000, इसके बटे कितना है, 5, यहाँ पे 5 जो है वो यहाँ पे लिख दी हमने 5। अब देखिए 1,03,000 में से 13 गया तो 90,000 यहाँ पे बचेगा, और इसमें 5 का भाग दे देंगे, 5 का भाग देंगे तो इसको 5 से हम काटेंगे, यदि हमको कठिनाई जाती है तो 5 एकम 5 बचा 4 40 हुआ। अब यहाँ पे 18 8 और 3 0
तो कितना हुआ यहाँ पे 18 पंचे 90। यदि पहाड़ा आपको वैसे ही मुखाग्र याद है, मौखिक याद है, तो 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। तो ये 18,000 हमारा क्या आया, औसत लाभ आया, इसे हम औसत लाभ कहेंगे। अब ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ यानी यहाँ पे 18,000 लिख देंगे गुणित 3, 18 दूनी 36, 18 3 54, ख्याति जो आएगी आपकी 54,000 ख्याति आपको फर्म की मिल जाएगी। और आपका ये उत्तर ख्याति में 54,000 रुपये आपको जो आता है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें समझ में आया होगा सवाल। यदि कहीं आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहीं कठिनाई आती है तो वह भी बताएं कि यहाँ पे इस भाग में जो भी हमारी समस्या है वो क्यों आ रही है, कमेंट करके आप बता सकते हैं।